आज फिर से इस तरह से प्रभु के सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे साथ में मैंने बीच में लोइस को देखा और हमारे साथ में आज एबी ज्वाइन हुआ है। तो जैसे कल स्टैनली ब्रदर बोल रहे थे, हमारे जो ये एक तरह से ब्लेसिंग्स भी हुआ है हमारे लिए, जो ये लॉकडाउन जिसके द्वारा हम सभी को अलग अलग जगह से अलग अलग घर में बैठकर भी एक साथ बैठकर प्रभु के वचन को सुन पाना, समझ पाना, सीखना, सिखाना, सबके लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। Am I audible to all? Yes, sir. Hello. Okay. Yes. Yes, Shaji bhai, please go ahead. Yeah. So, can you see the screen now? Yes. Yes, uncle. Yes. So here you can see 2 Timothy chapter 1 verse 7. I will take just 2 minutes. Yeah. So here 2 Timothy chapter 1 verse 7, Paul says, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kyunki Parmeshwar ne hame bhay ki nahi hai, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। और एक और आयत को देखेंगे, 1 Corinthians 1:27, बट गॉड हैज चोजन द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू पुट टू शेम द वाइज, द गॉड हैज चोजन द वीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू पुट टू शेम द थिंग्स विच आर माइटी। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है, शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन सबको चुना है, उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में दुर्बल हैं। ये वजन जो है, हमें पता है कि ये जो कुछ भी हम आज या तो पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं, ये इसी से कनेक्टेड है कि किस तरीके से प्रभु अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सब लोग यहाँ पर है, किस तरीके से प्रभु अलग अलग लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर रीति से देखा जाए तो हमारे प्रभु की जो या तो हम वजन में देखे शुरू से लेकर ऐसे कई गणना देख सकते हैं जहां पर प्रभु की जो चॉइस रहा है वो बिल्कुल यूनिक रहा है कई बात में। और एक एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ये जो लोग सब हम एग्जाम्पल के लिए तौर पर लें, अब्राहम हो, मोसेस हो, डेविड हो, और एस्तर हो, और वो मेरी हो, या परमेश्वर की जो प्रभु ने जो डिसाइपल्स को लिया है, वो सभी का नाम ले लो। ऑल वर वीक, हम्बल, समटाइम्स फियरफुल पीपल। हम देखो हरेक समय में ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ प्रभु की खुद की जन्म जो है वो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे एक हम्बल जगह पर होने वाला, या ऐसे एक पेरेंट्स में, ऐसे एक फैमिली में लेने वाला। तो परमेश्वर की जो चॉइस है वो हमेशा यूनिक होता है, और उनकी मिशन के लिए वो सही लोगों को सही समय पर सही रीति से चुनते हैं, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सच अ यूनिक चॉइस ऑफ गॉड एंड हिज मिशन थ्रू हिम। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गिडियन टुडे। गिडियन के बारे में हम थोड़े आज कुछ बातों को सीखेंगे, हमने कई बार वजन से सुना है, सीखा है, लेकिन कुछ और बातों को लेकर इधर हम मनन करेंगे थोड़ी देर। सो गिडियन की लाइफ में हम देख सकते हैं कुछ चीजों को, उनकी एनकाउंटर, मतलब हिज एनकाउंटर विद गॉड एंड हिज क्वेश्चंस टू गॉड, हिज रिस्पॉन्सेस टू गॉड एंड द मिशन विच गॉड हैज गिवन हिम, एंड his growing confidence, and finally experiencing the power of God. In cheezon par hum pura aaj dhyan rakhenge. So sabse pehle hum uski thoda background pe jaye. Judges chapter 4 aur 5 mein hum dekh sakte hain. Chapter 4 ka shuruaat agar dekhe to aisa hi likha hua, aur usme bhi first ayat mein bhi aisa hi likha hai, the children of Israel again did evil in the sight of Lord. ये हम देखे शुरुआत से लेकर यही है, इसराइल जब इसराइल लोगों को मिस्र से जब लेके आते हैं, वहां से लेकर वी कैन सी दैट द कंटीन्यूअस डिसोबीडियंस ऑफ इसराइल कंटीन्यूअस।
और हर बार किस तरीके से प्रभु से वो लोग रोते हैं और वो विलाप करते हैं, तो प्रभु वापस से उनके सुनते हैं और वापस आ जाते हैं। यहाँ पर भी चैप्टर फोर में वो फिर से वो जो उनको अपने डिसोबीडियंस की वजह से किस तरीके से वो लोग कनानाइट्स के अंदर आ जाते हैं, देन यू कैन सी दैट हाउ दे फाइनली गेट ए विक्टरी ओवर कनान अंडर डेबोरा। एंड चैप्टर फाइव इट्स अ सॉन्ग ऑफ डेबोरा, बट एट द एंड द लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर फाइव व्हाट इट इज रिटन, सो द लैंड हैड रेस्ट फॉर 40 years, and the land had rest for 40 years. Lekin chapter 6 mein aate hi fir se kya shuru ho jate hain, the promised land, the land flowing with the milk and honey, wo aise land uska kya ho jata hai, it has become a place of a land of suffering, a land of fear, a land of strife. Let us see what is the condition. What is the condition of Israel? It is, according to the history, it is 1208 BC में हो रहा है। यहाँ पर आप देखें उस समय उस उधर का हालत क्या था। क्या लिखा है वहां पर? इसराइलियों ने वही कार्य किया जो प्रभु की दृष्टि बुरा था। अतः प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानी जाति के हाथ में सौंप दिया और मिद्यानियों की शक्ति इसराइलियों पर छा गई और इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण पहाड़ों पर अपने लिए गड्ढे गुफाओं में और गढ़ बना लिया। और देखे पूरी वचन में हम देखे उसकी वो 3 से 4 वो पहली वो 6 आयत में क्या क्या प्रॉब्लम बताया। सबसे पहले दे आर कंटिन्यूसली सफरिंग एंड they are living in mountains and caves, they are continuously under attacks and their crops are continuously damaged and they are looted, and it is written usme aisa likha hua hai aur hamesha never spared even the living things, kuch bhi aise koi cheez ko wo chhodte nahi the, aise pura ek tarah se dekha jaye to the land has become a land of sufferings and strife and the continuous attack। अपन बोल सकते हैं कि वो जो द लैंड जो प्रभु ने जो उन्हें प्रॉमिस किया था, विच इज काइंड ऑफ पैराडाइज, हैज बिकम ए लैंड ऑफ ट्रबल्स नाउ। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी क्लियर इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, फर्स्ट वर्स इटसेल्फ। इसराइलियों ने वही कार्य किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था, अतः प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानी जाति के हाथ में सौंप दिया। यानी वही बात जो उनकी बात ना मानना, डिसोबीडियंस। कभी कभी हम देखें इवन इन आवर लाइफ टू वी हैव मिडियानाइट्स क्रिएटिंग फियर ऑफ लूजिंग लाइफ वेल्थ पावर पोजीशन जॉब एक्सेट्रा, हर चीज है। कई बार हम भी उसी डर में रहते हैं और कभी भी ये हो सकता है हमारे लाइफ में, हमारा तबीयत खराब हो सकता है, हमारा ये इधर उधर जो पैसा लगाया है और वो सब लॉस हो सकता है, या हमारी जॉब लूज हो सकता है, हमारा पोजीशन लूज हो सकता है, ऐसे कई तरह की, और डर में ही लोग रहते हैं। अब देखिए चैप्टर 6 उसके वर्स में वर्स 7 में वापस से वही करते हैं इसराइल, क्या करते हैं? दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड। चैप्टर 6 वर्स 7 लिखा हुआ, एंड व्हाट हैपेंड दिस टाइम, चैप्टर 6 वर्स 8 में लिखा है, इस समय वो एक वैरियर्स को या एक जज को नहीं भेजा, बट दिस टाइम लॉर्ड सेंड अ प्रोफेट। क्यों उन्होंने एक इस बार एक प्रोफेट को भेजा? क्योंकि वो ये बताना चाहता था उनको कि क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू, क्या है आप लोगों की प्रॉब्लम, क्या है वो बताने के लिए। और क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? वहां पर प्रोफेट जाते हैं, वो उन्हें अच्छे तरह से उन्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं उन्होंने कि देखो मैंने तुम्हें मिस्र में से लाया और दासत्व के घर से बाहर निकाला, मिस्र देश के निवासियों के हाथ से मुक्त किया और उसके हाथ से मुक्त किया जो तुम पर अत्याचार करते थे, मैंने तुम्हारे समूह में उन्हें उनके देश से निकाल दिया और उनका वो देश तुम्हें दे दिया। तब मैंने तुमसे ये कहा था मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं, तुम एमोरी जाति के दरवाजों में जितने देश में निवास करेंगे
उनका पूजा मत करना, पर तुमने मेरी वाणी नहीं सुनी। वहां पर हम देख सकते वहां क्लियरली उनको ये समझाता है कि तुम्हारी गलती क्या है। और पूरी तरह से लिखता है 10th वर्स 10 में क्या लिखा है कि आई एम द लॉर्ड योर गॉड, डू नॉट फियर द गॉड ऑफ द अमोराइट्स इन हूज लैंड यू ड्वेल, बट यू हैव नॉट ओबेड माय वॉइस। तो एक 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 वहां पर एक प्रोफेट को, एक नबी को भेजकर उन्होंने ये भी उनको समझाया कि तुम्हारी गलती क्या, तुम बार बार ये क्यों करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम क्यों बार बार अन्य देवताओं पर चले जाते हैं, क्यों उनके पूजा करने शुरू हो जाते हैं, क्यों उनके पास में जाकर अपनी बातें सुनना सुनाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ समझाने के बाद में प्रभु उनको छोड़ता नहीं है। क्या करते हैं, चैप्टर 6 उसके वर्स 11 एंड 12 में आएगा तो हम देख सकते हैं कि वहां पर गिडियन का हाउ द गॉड चूज़स गिडियन। वो उसकी 11वीं आयत में हम देख सकते हैं जब गिडियन क्या कर रहे थे, जब प्रभु की यानी एंजल उनके पास जब पहुंचते हैं, स्वर्गदूत उनके पास जब पहुंचते हैं, तो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज थ्रेशिंग वीट इन द वाइन प्रेस टू कीप इट फ्रॉम द मिडियानाइट्स। आप सोचो वो वाइन प्रेस में क्या कर रहा था, गेहूं पीस रहा था चुप चुप के, क्योंकि मिडियानाइट्स कभी भी आ सकते वहां और कभी भी उनको लूट के ले जा सकते और हो ही रहे वो कंटिन्यूस, इसलिए उनको उनसे चुप कर वो क्या कर रहा है, वाइन प्रेस में जाकर वो बीच मतलब ही इस थ्रेशिंग द बीच गेहूं पीस रहा था, गेहूं साफ कर रहा था। उसी समय एंजल उनको द एंजल अपीयर्स टू द लॉर्ड गिडियन एंड सेड लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है किस तरीके से हाउ गॉड एड्रेसेस गिडियन, गिडियन को कैसे वो कैसे बुलाते हैं माइटी वॉरियर। गिडियन ने कभी सुना भी नहीं होगा कि वो एक वॉरियर, ये कभी सोचा भी नहीं होगा अपने मन में कि अभी उनके हिसाब से क्या है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए उनको कुछ गेहूं साफ करके लेना है, वो चुप चुप कर वो काम कर रहा है। लेकिन वहां पर प्रभु उनको बोलते हैं द लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर। शायद वो थोड़ा चौंक गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ आगे। लेकिन यहां पर गिडियन का कुछ क्वेश्चन वापस क्वेश्चन होता है, क्या पूछते हैं गिडियन, पार्डन मी माय लॉर्ड, बट इफ द लॉर्ड इज विद अस व्हाई हैज ऑल दिस हैपेंड टू अस, वेयर आर ऑल हिज वंडर्स दैट आवर एंसेस्टर्स टोल्ड अस अबाउट व्हेन दे सेड डिड नॉट द लॉर्ड ब्रिंग अस अप आउट ऑफ इजिप्ट, बट नाउ द लॉर्ड हैज अबैंडन्ड अस एंड गिवन अस इनटू द हैंड ऑफ मिडियन। और वहां पर उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, यदि प्रभु हमारे साथ है तो ये संकट हम पर क्यों आए, कहां गए प्रभु के आश्चर्यपूर्ण कार्य, और अब प्रभु हमें त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ सौंप दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है अगले आदित में, यहां देखिए द लॉर्ड टर्न टू हिम एंड सेड गो इन द स्ट्रेंथ यू हैव एंड सेव इसराइल आउट ऑफ मिडियान्स हैंड, Am I not sending you? प्रभु उनसे बोलते हैं कि अपनी इसी शक्ति के आधार पर जा और इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से मुक्त कर, निसंदेह मैं तुझे भेज रहा हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इसके पहले वहां पर गिडियन प्रभु से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, यहां पर उन्होंने उसके कोई जवाब नहीं दिया। आप देखिए डिड लॉर्ड आंसर एनी ऑफ हिज क्वेश्चंस, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, अगर आप हमारे साथ हैं तो ये इतना सब कुछ हमारे साथ होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे, लेकिन प्रभु उनको कोई जवाब नहीं देते बल्कि उनको कमांड करते, उनको बोलते हैं जा और ये काम कर। लॉर्ड डिडंट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ही वांटेड गिडियन टू अंडरस्टैंड ओनली वन स्टेटमेंट, आई एम सेंडिंग यू, वन गॉड वन प्रॉमिस, दैट इज इनफ फॉर अस। कई बार हम ये नहीं सोचते हैं या इसको हम समझते नहीं कि there is one God and the promises of God, that is enough for us. But कई बार हम इनके जैसे क्वेश्चन पूछने की या उसके आंसर के इंतजार करते हैं। अब यहां पर देखिए गिडियन छोड़ते नहीं, उनके कुछ डाउट्स अपनी कंसर्न्स को प्रभु के सम्मुख में रखते हैं और 15 में क्या लिखा है, Pardon me my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh.
and I am the least in my family. क्या बोले कि मनुष्य गोत्र में सबसे दुर्बल है मेरा वंश और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा. और बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कभी इसके पहले कोई युद्ध लड़ा हो पता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, अपने परिवार को, अपने वंश को इतना छोटा समझते हैं, वो अपनी कंसर्न को प्रभु के सम्मुख में रखते हैं, अपने डाउट्स को. लेकिन वहां पर प्रभु उनको सोलह आयत में क्या जवाब देते हैं, आई विल बी विद यू एंड यू विल स्ट्राइक डाउन ऑल मिडियानाइट्स लिविंग नन अलाइव. कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा है कि एज वन मैन. और जैसे वो जैसे नीचे हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेशन दिया, प्रभु ने उनसे कहा मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यानियों को इस प्रकार मार डालेगा मानो वो केवल एक मनुष्य होंगे. आप सोचो इतना बड़ा प्रॉमिस, करेज. लॉर्ड उसको एकदम रीअश्योर करते हैं कि आई विल बी विद यू. लेकिन गिडियन का अब गॉड ने रीअश्योर कर लिया, लेकिन वहां पर गिडियन को अपनी तरह से कुछ रीअश्योरेंस चाहिए. कि गिडियन रिप्लाइड, इफ नाउ आई हैव फाउंड फेवर इन योर आइज, गिव मी ए साइन दैट इट इज रियली यू टॉकिंग टू. क्योंकि गिडियन ये जानना चाहता था, कि ये पक्का करना चाहता था कि जो मुझसे बात कर रहे हैं, वो जो वार्तालाप कर रहे हैं, वो प्रभु ही है, इससे मुझे कोई चिन्ह दिखा. और उसमें आप देख सकते हैं 18 से 21 के अंदर, और उन्होंने जो चिन्ह मांगा है वो चिन्ह उसी तरह से वो करके दिखाते हैं. और आप देख सकते हैं कि उसकी 21 आयत में द फायर एंड फ्लेयर्ड फ्रॉम द रॉक कंस्यूमिंग द मीट एंड द ब्रेड एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड डिसअपीयर्ड. उन्होंने जो चिन्ह मांगा या तो जो उन्होंने चिन्ह दिखाने के लिए बोला, वही चिन्ह वहां पर स्वर्गदूत ने दिखाकर उन्हें वो वहां से गायब हो जाते हैं. लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, गिडियन को फिर से डर. जैसे उसको पता चला कि वो सच में परमेश्वर था, तो उनको डर लगा. उन्होंने क्या सोचा, 22 में क्या लिखा है, आई हैव सीन द एंजल ऑफ द लॉर्ड फेस टू फेस. पर वहां पर भी गॉड उन्हें और एकदम उसे कंफर्ट करता है, प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तू मेरे दर्शन के कारण नहीं मरेगा. और गिडियन 24 में क्या हो जाते हैं, he built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. वहां पर उनके लिए वर्शिप करते हैं. देन उसकी 25 और 26 में हम देख कि वहां पर हम देख सकते हैं गिडियन का सबसे पहला असाइनमेंट गॉड जो देते हैं. क्या है सबसे पहला असाइनमेंट देता है, द सेम नाइट द लॉर्ड सेड टू हिम, टेक द सेकंड बुल फ्रॉम योर फादर्स हर्ड, द वन 7 इयर्स ओल्ड. लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या काम करना है, क्या बोला है, टियर डाउन योर फादर्स अल्टर टू बाल एंड कट डाउन द अशेरा पोल बिसाइड इट, देन बिल्ड ए प्रॉपर काइंड ऑफ अल्टर टू द लॉर्ड योर गॉड ऑन द टॉप ऑफ दिस हाइट यूजिंग द वुड ऑफ द अशेरा पोल दैट यू कट डाउन, ऑफर द सेकेंड बुल एज अ बर्न ऑफरिंग, डिस्ट्रॉय ऑल दैट बिलोंग टू द to belong to Baal and everything. जो अन्य देवदाव देवी देवताओं से connected जो भी चीज उस परिवार में है वो सभी को नष्ट कर वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार करने के लिए उनसे कहा जाता है. सबसे पहला हम देखा जाए क्या बोलते हैं, बिफोर सेविंग द नेशन ऑफ द कंट्री पुट योर होम इन ऑर्डर. सबसे पहले अपने परिवार को स्टडी करने के लिए उन्होंने बोला पुट योर होम इन ऑर्डर. एंड वट ही डिड, he did the same thing. और हम आगे देख सकते हैं कि वो ऐसे करने के बाद में क्या हो जाते हैं, और उनके लोगों को पता चल जाते हैं, वो उनके घर पे आते हैं, लेकिन किस तरीके से उनकी फादर जवाब देते हैं वो सब हम देखेंगे, हम वहां पर पढ़ सकते हैं. लेकिन हम जल्दी से आगे जाएंगे उस असाइनमेंट को कैसे, मतलब 26 में वो करते हैं, गिडियन उसको करते हैं, लेकिन करते वक्त क्या करते हैं, वो अपने सर्वेंट को ले जाते हैं. He was still afraid of his family and town people. He did it at night rather than in the daytime. उनको वो दिन में करने की हिम्मत नहीं था, अकेले जाके करने की हिम्मत भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ सर्वेंट्स को लिया, लेकिन रात को जाके किया. अब क्वेश्चन ये है, did the Lord scold him for that? क्यों तुमने दिन में क्यों नहीं किया, क्यों तुम्हारे की हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं उसके बोलने के बावजूद तुम्हें हिम्मत नहीं है, ऐसे बोलकर उन्हें स्कॉल्ड किया, नहीं किया.
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि गिडियन इज टेकिंग बेबी स्टेप्स, अभी यहां पर वो एक एक कदम उठा रहे और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और प्रभु की जो ताकत को वो धीरे धीरे से अपना रहा है, इसलिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ा। और बढ़ते हैं और चैप्टर 6:33 में हम देख सकते हैं द रियल मिशन स्टार्ट्स। क्या लिखा है वहां पर? नाउ ऑल द मिडियानाइट्स, अमालेकाइट्स एंड अदर ईस्टर्न पीपल जॉइंड फोर्सेस। अब देखिए, अभी अकेले मिडियानाइट्स नहीं है, इट्स अ जॉइंड फोर्स। दे केम एंड कैंप्ड इन द वैली ऑफ जज़रेल। अब देखिए, जब भी हमारे विश्वास कम हो जाते हैं, हमारे ताकत कम होते हुए दिखते हैं, तो एक नहीं शत्रु की संख्या बढ़ते रहेंगे, जॉइंट फोर्सेस हो जाएंगे एंड दे विल कम एंड कैंप। और कितना था उनका नंबर, वो जॉइंट फोर्स का नंबर कितना था? चैप्टर 8:10 के हिसाब से हम देखा जाए तो इट वॉज 1,35,000 पीपल, 1,35,000 पीपल। आप सोचिए, नाउ गिडियन सेट, और उन्होंने क्या किया उसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं, और वो तुरंत वो डरते नहीं है, वो जाके लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसकी 34 और 35 में हम देखें, 34 और 35 में क्या दिखाएं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन गिडियन एंड ही ब्लू द ट्रम्पेट। और उसके बाद उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया और सभी लोग उनको उनके उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। और 36 में हम क्या देखते हैं, और थोड़ा और गिडियन रीअश्योर करना चाहते हैं कि मैं अभी रियल मिशन में निकलने वाला हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैं मिशन में निकलने के पहले एक बार और परमेश्वर की ताकत को अपनाऊं और एक बार और अश्योर करूं कि परमेश्वर मेरे साथ, उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो मेरे साथ। और उन्होंने फिर से बोला, इफ यू विल सेव इसराइल बाय माई हैंड एज यू हैव प्रॉमिस्ड, ऐसे फिर उन्होंने एक दो और साइन को पूछता है। और वो साइन हमें पता है कि वो फ्लीस को वो जैसे बाहर डालते हैं और किस तरीके से उसको वेट होने का, दोनों बार, एक तो पहली बार बोला कि ओनली फ्लीस ही वेट होनी चाहिए, सेकंड टाइम बोला कि पूरी जमीन वेट हो लेकिन फ्लीस वो गीला नहीं हो, ऐसे पूरी तरह से। और गॉड रीअश्योर्स थर्ड टाइम, तीन बार। गॉड वॉज नॉट अपसेट फॉर हिज चाइल्डिश बिहेवियर बट केप्ट ऑन एनकरेजिंग हिम। गॉड नोज आवर वीकनेस, आवर एंग्जाइटीज, आवर कंसर्न्स, सब चीज परमेश्वर जानते हैं, हमारे कमी क्या है सब कुछ जानते हैं, हमारी परेशानी क्या है जानते हैं। He knows that we are simply flesh. He knows that it was just a part of obedience. वो उस आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, उसके पहले वो फिर से रीअश्योर कर रहे हैं कि God is with me. और उसके बाद क्या होता है? Now we can see the power of Almighty. और उन्होंने जो लोगों को एकत्रित किया था, it was 32,000 people. अब देखो, देर वर 32,000 पीपल विद गिडियन एंड गॉड वांट्स टू रिड्यूस द नंबर गिविंग द रीजंस। वो पूरा देख सकते हैं सातवीं अध्याय में आए, सातवीं अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनको बोलते हैं कि वो नंबर को कम करो, इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है वहां पर। और उसमें दूसरी आयत में क्या लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड टू गिडियन, द पीपल हु आर विद यू आर टू मेनी फॉर मी टू गिव the Midianites into their hands, lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hand has saved me. So, क्यों परमेश्वर उनके नंबर को कम करना चाहते हैं, ताकि कभी भी इसराइल ये नहीं कहे कि हम अपनी ताकत से मिद्यान को हराया या तो इसराइल को बचाया, हमें अपने आप बचाया, ये कभी नहीं कहना चाहता था। और परमेश्वर अपनी पूरी ताकत को फिर से इसराइलियों को दिखाना चाहते। और क्या किया उन्होंने, पहला फर्स्ट फेज में हम देख सकते हैं उसकी वर्स 3 में कैसे वो नंबर को 10,000 में लाया, 12,000 वहां पर खत्म हो जा, वहां से वापस घर चले जाते हैं। लेकिन फिर से गॉड को ऐसे, गॉड स्टिल फेस दिस 10,000 इज ऑल्सो टू मेनी, आस्क गिडियन टू रिड्यूस इट अगेन। एंड वी कैन सी दैट वर्स 5-8 सेकंड टेस्ट हो जाते हैं, और कहां उनको वो पानी के पास ले जाते हैं और उन्हें पानी पीने के लिए कहते हैं, और किस तरह से वो टेस्ट होता है, और वो टेस्ट के बाद फाइनली इट इज नाउ ओनली 300।
So 32,000 से God brought down the number to 300. और क्या कहते हैं वहां पर प्रभु उधर उनसे कि उसकी सातवीं आयत में क्या लिखा है? Then the Lord said to Gideon, by the 300 men you lapped, I will save you and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his place. उन्होंने रीअश्योर किया, ये 300 लोगों के द्वारा मैं तुम्हें, मतलब मिडियान को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अब देखिए, वो रेशियो बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो है। 300 पीपल गिदियान के साथ में और 135,000 पीपल वहां पर सामने, वो जो जॉइंट फोर्स के पास है। रेशियो क्या है, उसको डिवाइड करेगा तो 1:450। एक इसराइलिट के बराबर में वहां पर वो जो जॉइंट फोर्स के पास 450 पीपल, यानी एक आदमी के लिए 450 लोग है वहां। ये है उस रेशियो। लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? प्लस वन गॉड। गिडियन के पास सबसे इंपॉर्टेंट एक ताकत था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? गॉड। और क्या हो जाते हैं 9-15 तक हम देख सकते हैं कि क्या क्या वहां पर बातें होता है कंटिन्यूसली, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होता है। और कभी हम उसके एक एक आयत को देखेंगे कि उसकी 9 की आखिर में लिखा है, Arise, go down against the camp, and I have delivered it into your hands. Or, but if you were afraid to go down to the camp with the Pura, your servant. परमेश्वर को वहां पर भी लगता है कि गिडियन में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा हिम्मत की कमी है। तो वो गिडियन से कहते हैं, तुम कैंप में जाओ, नीचे कैंप में जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। वो नीचे जाते हैं और हम देख सकते हैं कि वहां पर नीचे जो लोग वहां पर एक ड्रीम जो देखा, उस ड्रीम का वर्णन कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और किस तरीके से वो लोग ये मान रहे या वो बिलीव कर रहे हैं। वहां पर क्या लिखा है 14वीं आयत में, Then his companion answered and said, This is nothing else but the sword of Gideon, the son of Jehosh, a man of Israel, into his hand God has delivered Midian and the whole camp. उस ड्रीम का, उस विजन का इंटरप्रिटेशन होता है, और गिडियन वो सुनते हैं और वापस आ जाते हैं, और सबसे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं वहां पर, राइज। उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है उन्होंने, गेट अप, द लॉर्ड हैज गिवन द मिडियानाइट्स कैंप इनटू योर हैंड्स। कॉन्फिडेंस आ गया, वो अभी उन्हें पूरी विश्वास हो गया, प्रभु सिर्फ मुझसे ही नहीं और पूरे जो लोगों से भी बात कर रहे हैं, उन्हें भी एनकरेज कर रहे हैं कि, और किस तरीके से हिम्मत दे रहे हैं कि इट्स आई हु इज सेंडिंग यू। और उन्होंने क्या किया, वो पूरे 300 लोगों को 3 ग्रुप में बांट जाते हैं। और अजीब और गरीब और कुछ बात अपन देखे वहां पर, कुछ ऐसे यूनिक बात फिर से हो रहा है वहां पर। क्या हो रहा है, किस तरह के हथियार को हाथ में देते हैं उन लोगों के हाथ में, ट्रम्पेट्स, एम्प्टी जार्स, एंड इन द हैंड्स ऑफ ऑल ऑफ देम क्या देते हैं, वेपन। और सामने 135,000 पीपल हैं, उनको उनसे लड़ने के लिए गिडियन जो जिस हथियार को हाथ में देते हैं उन लोगों के हाथ में क्या है, ट्रम्पेट्स एंड एम्प्टी जार्स विद द टॉर्चेस इनसाइड। जो हम बोलते हैं ना, बुद्धिमानों की बुद्धि को एकदम लज्जित करने वाले बात है, परमेश्वर के सारे काम ऐसे होता है। और वहां पर भी आप देखो, गिडियन कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, या लोग कहीं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन वहां पर आज्ञा का पूरी तरह से मानते हैं। और जाते वक्त 17 आयत में आप देखिए, वहां पर जो गिडियन जो आज्ञा, जो कमांड, जो इंस्ट्रक्शन अपने लोगों को देते हैं, उनमें क्या लिखा है उन्होंने, 3 बात, वॉच मी, फॉलो माई लीड, और लास्ट में क्या बोलते हैं, डू एग्जैक्टली एज आई डू। और क्या कभी कभी हमें भी ये सुनना चाहिए, प्रभु हमसे भी यही कहते हैं कि क्या कहते हैं उनको, हमसे भी यही कहते हैं उन्होंने, और कुछ नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, वॉच मी, मुझ पर तुम्हारा नजर मुझ पर रखो, और मेरी जो आज्ञाओं को पालन करो, और मुझे फॉलो करो, यही प्रभु हमसे भी कहते हैं। यहां गिडियन भी लोगों से 3 ही बात बोला, वॉच मी, फॉलो माय लीड, एंड डू एग्जैक्टली एज आई डू। और
क्या हुआ उसकी 19 से 20 तक की आयत में हम देख सकते हैं किस तरीके से और वो लोग जाते हैं और रात के समय में कैसे how they blow their trumpets and broke the jars and that were their hands और क्या क्या वहां हो जाते एक क्षण में वहां पर इतना अतरा तफरी बच जाते हैं क्या हो जाते हैं वहां पर while each man held his position around the camp all the Midianites ran crying out as they fled और 21 और 22 में लिखा है क्या लिखा है 22 में क्या लिखा है when the 300 trumpets sounded the lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords क्या हुआ पूरे मिडियानिट्स वो पूरे सेना 1,35,000 इधर उधर दौड़ना शुरू हो गया और पता नहीं रात को क्या हुआ और अपने तलवार एक दूसरे के ऊपर उठाना शुरू और बाकी हमें पता है कि किस तरीके से वो सबको इन्फॉर्म करते हैं और इसे रास्ते में उसको घेर कर किस तरीके से मिडियानिट्स के ऊपर विजय पाते हैं और हम ये पूरी जो एक घटना में हमने देखा कैसे प्रभु ऐसे कमजोर लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा मानने से कैसे उसको उपयोग में लाते हैं कैसे आगे बढ़ाते हैं और देखिए हम आज की इस लाइफ से क्या देखा हमने गिडियन की लाइफ से क्या देखा गॉड्स चॉइस ऑफ पीपल मे बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड ही वांट्स अस टू बी ओबीडिएंट एंड ट्रस्ट हिम एंड ऑल हिज प्रॉमिसेस गॉड हमसे और कुछ नहीं चाहते उनकी चॉइसेस हमेशा अलग होगा और लेकिन हम उन्हें उनके लिए कंप्लीटली ओबीडियंट रहना है एंड वी शुड ट्रस्ट ऑन हिम एंड इन ऑल हिज प्रॉमिसेस वी मे बी वीक अनवर्थी फॉर द वर्ल्ड बट द लॉर्ड हैज डिफरेंट प्लान फॉर ईच वन गॉड नोज ऑल अवर वीकनेसेस लिमिटेशंस बट सरेंडर टू हिज विल आस्क फॉर हेल्प व्हेनेवर वी नीड इट ही इज विद अस ऑलवेज एंड अनदर लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ इजराइलिट्स The life of Israelites in Palestine is an example for all. What is that? How the blessings of God can be ignored through partial obedience or selective disobedience. Unki life mein lagadar kya baat ho raha tha? Parmeshwar ki sare vajan ko, commands ko ignore karna, partially obey karna, aur kuch disobey, jo selective cheezo ko disobey karna, selective cheez ko obey karna, ye vice versa. यही चलता गया दे वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द आयरन चैरियट्स ऑफ कनानाइट्स क्योंकि उन्हें उस समय तक इजराइलिट्स को पता नहीं था कि वो आयरन कैसे बनाना वो फॉर्मूला तो वो दे वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दैट बट व्हाट हैपेंड दे कुड नॉट सी द ऑलमाइटी गॉड इज विद देम और हमारे भी लाइफ ऐसे ही होते हैं कई बार हम वी आर अफ्रेड ऑफ द आयरन चैरियट्स या द पावर दूसरे लोग हमें क्या करेंगे और उनके पास ये है वो है ये ताकत है वो ताकत है हम कैसे लड़ेंगे उनके साथ ये है हमारा विचार हम हमेशा we are also not able to see the almighty god is with us and they were contented with what they got और वो पूरी पूरी वो लैंड परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस करके दिया था ये दिस इज अ प्रॉमिस्ड लैंड लेकिन they were happy with what they had they were satisfied and contented with their god they were ready to live in the mountains and caves they were not They were ready to live the way they want. They were very satisfied. Not ready to obey God completely and receive the blessings that the promised Lord completely. देखो प्रभु ने जो blessings दिए वो बहुत बड़े blessings हैं. और कई बार हम partial blessings से खुश रहते हैं. जो मिला वो ठीक है. और परमेश्वर की उस वजन को पूरी तरह के मानकर उनकी वजन उनको obey होकर पूरी तरह से उनकी उस आशीषों को पूरा पाने के लिए हम कभी हमें कोशिश करनी चाहिए और क्या है द लास्ट थिंग इज द पैराडाइज ऑफ ब्लेसिंग कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्लेस ऑफ सफरिंग्स एंड बैटल ऑफ लाइफ आल्सो हमारे जो लाइफ वो इट्स अ काइंड ऑफ पैराडाइज ऑफ ब्लेसिंग्स बिकॉज ही डिलीवर्ड अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सैटन बॉन्डेज ऑफ सिन दैट इज ऑल्सो पेइंग अ पेनालिटी एंड ही वॉश्ड एंड क्लेंस्ड अस विद हिज ब्लड एंड ही हैज Given us a paradise, a life of paradise, a life of happiness, joy. But with our disobedience, selective disobedience, partial obedience, what happens? It may turn to a place of sufferings and battles. Our life can be a place of sufferings.
if we do not listen to God. It is important to listen to God and be obedient to God. May God bless us.